प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमाएं बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से 2 शिलाग्राम शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। अनुमान है कि यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। तो आइए जानते हैं कि इतनी प्राचीन शिलाएं आखिरकार हिमालय की इस नदी में कैसे पहुंची। भगवान राम की प्रतिमा के लिए जिस शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल वह एक समुद्री जीव का जीवाश्म है। आज से करोड़ों वर्ष पहले जीवों का शरीर धूल, मिट्टी, लावा और कीचड़ जैसे पदार्थों में फंसकर धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त हो गया और अंततः जीवाश्म में बदल गया। शालिग्राम पत्थर मोलस्क नाम के समुद्री जीवों के बाहरी खोल का जीवाश्म है। इन खोलों को वैज्ञानिक एमोनाइट सेल्स कहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह शालिग्राम शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलती हैं? आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की आपस में टक्कर हुई थी और इसी टक्कर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। दरअसल जिस जगह यह टक्कर हुई थी उस जगह पहले से ही विशाल टेथिस सागर था। हिमालय जिस मिट्टी, पत्थर और दूसरे मलबे से बना है वह कभी इसी सागर के तलहटी में था। उसी तलहटी में ये जीवाश्म थे जो आज हिमालय का हिस्सा बन गए हैं और आज नदी की जलधारा में बहते हुए मिल जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आस्था के बिंदु भगवान राम की प्रतिमा 6 करोड़ साल पहले इसी पत्थर से बनाई जाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।